नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन इंडिया। जनसंघ विकास संगठन के बैनर तले निकाला गया प्रथम भारत शांति मार्च। जनसंघ विकास संगठन कार्यालय मोहम्मदी पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी के नेतृत्व में पूजन तुलसी पूजन का कार्यक्रम व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर कार्यक्रम श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने भाषण और कवियों ने कविताओं के माध्यम से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नमन किया। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर सिंह जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी के उनके सहित परिवार को नमन करने के लिए जनसंघ पार्टी ने नेतृत्व के द्वारा गुरुद्वारा पहुंचकर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा कमेटी के साथ लेकर नगर मोहम्मदी में अशोक चौराहे से बाजारगंज बरबर चौराहे होते हुए गुरुद्वारा पहुंचकर भारत माता की जय बोलते हुए नारा लगाया। शहीद परिवार को नमन करके 2 मिनट का मौन भी रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। जनसंघ विकास संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम शांति और सादगी का कार्यक्रम था। इस मौके पर हमारे पदाधिकारियों ने शहीदों को नमन किया और क्षेत्र में शांति और भाईचारा का संदेश देने का छोटा सा प्रयास किया था। इस मौके पर सरदार अमरीत सिंह, प्रधान गुरुद्वारा कमेटी मोहन सिंह जी, संतोष सिंह, बलदेव सिंह, खजांची गुरुवर सिंह, प्रधान दरद्वारा सिंह, प्रधान रेशम सिंह, उप प्रधान आदि गुरुद्वारा कमेटी मोहम्मदी व जनसंघ विकास संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी, जिला अध्यक्ष जसविंदर सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सतीश शर्मा, जिला विधिक सलाहकार बसंत लाल शर्मा, जिला प्रवक्ता गोपाल तिवारी मंडल, उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, जिला महामंत्री संतोष दीक्षित, रामनिवास दीक्षित, संतोष मिश्रा, दीनदयाल गौतम, पुनीत मिश्रा, अतुल मिश्रा, भास्कर मिश्रा, रवि त्रिपाठी, प्रमोद कुमार, रामगोपाल यादव, प्रमोद त्रिवेदी, अनुराग शुक्ला सहित तमाम पदाधिकारी एवं लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट एमएसएन इंडिया, रवि कुमार त्रिपाठी, मोहम्मदी, खीरी।